हमारी नेक्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है इसमें आने से पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वो लिक्विड क्या है स्टार्ट हो जाए कि किस में कन्वर्ट होना सॉलिड में कन्वर्ट होना जैसे वाटर जो होता है वाटर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पर क्या है बर्फ़ बनना है स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो जीरो डिग्री सेल्सियस या फिर टू सेवेंटी थ्री कैलविन जो है वो ये जो टेम्परेचर है ना ये वाटर का क्या कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा एक तो ये डेफिनेशन हो जाएगी ठीक है तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है अब नेक्स्ट आता है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारी नेक्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है थर्ड वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर में कन्वर्ट ना हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब है जो अपने आइनों में ब्रेक ना हो ऐसा कोई सॉल्यूट यदि ऐड कर दिया जाए प्योर सॉल्वेंट के अंदर प्योर सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है तो उस प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी उसके जिस टेम्परेचर पे वो जमता वो टेम्परेचर क्या हो जाता है घट जाता है मान लीजिए पानी जीरो डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है ठीक है तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट यदि मैं कोई नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो या तो वो हो जाएगा माइनस वन या माइनस टू या माइनस थ्री या माइनस फोर या माइनस फाइव यानी घटेगा डिक्रीज हो जाएगा इसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब क्योंकि ये हो कैसे रहा है सॉल्यूट डालने से जब सॉल्यूट डालने से हो रहा है सॉल्यूट का नंबर डालने से हो रहा है तो तभी तो बोल रहा हूँ मैं इसको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है ना कि उसकी नेचर पर ठीक है अब लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान लेता हूँ मैं टी नॉट एफ मतलब पानी है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ है जिसको हम जीरो डिग्री सेल्सियस कहते हैं उसमें डाला क्या चीज़ सॉल्यूट डाल दिया सॉल्यूट कैसा नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया टी एफ हो गया क्योंकि वो सॉल्यूशन बन गया क्योंकि उसमें सॉल्वेंट डाल दिया तब उसको टी एफ हो गया तो डिप्रेशन कैसे आएगा डिप्रेशन मतलब चेंज चेंज हो जाएगा ज़्यादा टी नॉट एफ है कम टी नॉट टी एफ है तो टी नॉट एफ में से टी एफ घटा के मेरे पास क्या आ जाएगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा तो मेरे पास पहला फॉर्मूला यह हो गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ ठीक है इसमें क्या होता है टी नॉट एफ ज़्यादा होता है और टी एफ कम होता है लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला एलिवेशन में उसमें टी नॉट बी कम था और टी बी ज़्यादा था ठीक है अब इसमें भी क्या है एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए यानी जिन सॉल्यूशन में क्या है सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में होता है ठीक है उन सोल्यूशन के लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रपोशनल होता है मोलैलिटी के अब डायरेक्टली प्रपोशनल मोलैलिटी के तो ऐसे केस में क्या हम क्या करेंगे इस इक्वल के इस प्रपोशनल के साइन को हटाने के लिए एक इक्वल का साइन लाएंगे और एक लाएंगे हम इसके अंदर कॉन्स्टेंट ठीक है ना तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ़ एम हो जाएगा हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा ना अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ़ एम अब क्योंकि एम हमारा क्या होती है मोलैलिटी तो मोलैलिटी होती है डब्ल्यू टू इन टू थाउजेंट एम टू इन डब्ल्यू वन ठीक है तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ़ इंटू डब्ल्यू टू इंटू वन थाउजेंट अपॉन एम टू इंटू डब्लू वन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स राइट और यहाँ पर जो के एफ है ठीक है ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्सटेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट या फिर क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ठीक है तो के एफ डब्ल्यू टू मास ऑफ सॉल्यूट है एम टू मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है डब्ल्यू वन मास ऑफ सॉल्वेंट है और डेल्टा टी एफ हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा के एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है या मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है ठीक है अब इसमें वही बात आता है डेफिनेशन पूछी जाती है कि के एफ की डेफिनेशन क्या होती है तो के एफ़ की डेफिनेशन फॉर्मूले से आएगी कि यदि हमारे पास क्या है किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी वन हो जाए मोलालिटी कब वन होगी जब उस सॉल्यूट का एक मोल एक किलोग्राम सोलवेंट में ऐड करूंगा तो एम हो जाएगा मेरा वन उस समय पर जो हमारा डेल्टा टी एफ बढ़ेगा वही हमारा के एफ़ होगा मतलब के एफ़ क्लो, में बी डिफाइन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन किलोग्राम ऑफ सोलवेंट ठीक है और ऐसा जब वन मोल ऑफ सॉल्यूट एक वन किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में डिजॉल्व है तो एम इक्वल टू वन रखा जाएगा एम इक्वल टू वन रख दिया डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो गया के एफ तो के एफ क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है जब वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाएगा वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ठीक है जैसे पानी के लिए क्या आता है जो के एफ आता है वन पॉइंट एट सिक्स आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास क्या है वाटर है अब वाटर मेरे पास कितना है एक किलोग्राम वाटर है अब एक किलोग्राम में मान लो मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया अब एक क्यों कर रहा हूँ मैं क्योंकि 180 ग्राम होता है ग्लूकोज का 180 होता है ग्राम पर मोल ग्लूकोज का मोलर मास उसमें मैं 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड करता हूँ तो गिवन मास और मोलर मास दोनों हो जाएंगे बराबर एक सौ अस्सी बटे एक कितना आ गया एक मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया यदि मैंने एक ग्राम वन ग्राम ग्लूकोज ऐड करी है ना वाटर के अंदर तो मैंने एक मोल ग्लूकोज ऐड करी है एक मोल ग्लूकोज यदि मैंने ऐड करी है उसके अंदर एक हज़ार ग्राम वाटर के अंदर तो मैंने एम को उसकी मोलालिटी वन बना दी अब मोलालिटी वन बनेगी तो उस समय पर जो के एफ़ होता है वन पॉइंट एट सिक्स आता है इसका मतलब है एक सौ अस्सी ग्राम ग्लूकोज ऐड करने पर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में मात्र वन पॉइंट एट सिक्स डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगा डिप्रेशन हो जाएगा राइट यूनिट बाई डेल्टा टी एफ की कैलविन होती है मोलालिटी की मोल पर किलोग्राम तो के किलोग्राम जाए कि किलो जाए कि ऊपर किलो जाएगा क्या हो जाएगा पर किलोग्राम ऊपर जाएगा ग्राम किलोग्राम हो जाएगा और मोल हो जाएगा पर मोल तो कैलविन किलोग्राम पर मोल अब ग्राफ कैसे आएगा इसका इसका ग्राफ देखेंगे हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर ये पॉइंट है यहाँ पर हमारा जो वेपर प्रेशर है वो वन एटी एम है तो लेकिन जब लिक्विड फ्रीज होता है तो उसका वेपर प्रेशर घटता है वेपर प्रेशर घटेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो हमारे पास क्या है पहला फ्रीजिंग पॉइंट था उसका टी नॉट एफ जब वो प्योर था लेकिन उसका अब सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो वो बन गया टी एफ तो अंतर कितना आया ठीक है अब ये ये चीज़ क्या है इसके अंदर कम है ये चीज ज़्यादा है तो टी नॉट एफ में से टी एफ घटा देंगे ठीक है अब इसमें क्या है नोट करके ध्यान रखना है यदि आप किसी सबस्टांस का किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है ठीक है ना तो उसका वेपर प्रेशर भी घटेगा जैसे फ्रीजिंग पॉइंट घटा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ये प्योर सॉल्वेंट का है ये फ्रोजन सॉल्वेंट का है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद हमको क्या ध्यान रखना है कि के एफ़ जो होता है ना के एफ़ एक फॉर्मूले से और निकाला जा सकता है जिसमें एनथेल्पी ऑफ फ्यूज़न दी होती है तो जैसे पहले में एनथेल्पी ऑफ़ वेपोराइजेशन है तो वहाँ से तो क्या और निकाला जाएगा के बी और यहाँ से के एफ़ के एफ इक्वल टू तो आर इंटू एम वन इंटू टी एफ एंट स्क्वायर अपॉन वन थाउजेंड इंटू डेल्टा एफ यू एच नॉट एफ यू एच नॉट ए स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ फ्यूज़न ठीक है इस फॉर्मूले से भी हम क्या है के एफ निकाल सकते हैं अब हम क्या है इस एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें आते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल हम टू पॉइंट नाइन पेज नंबर फिफ्टी टू एन सी आर टी बुक में लिखा हुआ है इस एग्ज़ाम्पल को यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि फोर्टी फाइव ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एक्चुअल में एथिलीन ग्लाइकॉल होता है एक, एक एंटी फ्रीज एंटी फ्रीज uh, क्या मतलब है जो पानी को जमने से रोकते हैं तो ये गाड़ी जो न, हमारी क्या है फोर व्हीलर्स होते हैं उसके अंदर क्या है रेडिएटर जो होता है उसमें डाला जाता है जिससे कि क्या है कोल्ड कंडीशंस में वाटर जमे ना इज मिक्सड विद सिक्स हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर मतलब पैंतालीस ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल छः सौ ग्राम पानी में या छः सौ एम एल पानी में ऐड किया जाता है क्या क्या कैलकुलेट करवाया है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब क्या निकलवा डेल्टा टी एफ निकलवा रहा है दूसरा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोलूसन और टी एफ निकलवा रहा दो चीज़ें निकलवा रहा है टू है डब्लू वन है एम टू है के एफ़ है के एफ़ वाटर का इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ लेकिन क्या है जब पेपर में आएगा ये क्वेश्चन तो ये फिर के एफ़ को देगा आपको तो यहाँ से हम डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे के एफ इन टू टू इंटू थाउजेंड अपन एम टू इंटू डब्ल्यू वन यहाँ से वैल्यू पुट करके हम डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे तो डेल्टा टी एफ मेरा आ गया टू पॉइंट टू कैलविन मतलब बैतालीस ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल छः सौ ग्राम पानी में डालूंगा तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में टू पॉइंट टू कैलविन की कमी आएगी समझ में आया या डिग्री सेल्सियस फ़िलहाल कैलविन में लेंगे क्योंकि के एफ़ की यूनिट हमारी कैलविन पर मोल है अब फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का टी एफ अब क्योंकि मुझे डेल्टा टी एफ का फार्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ अब टी एफ जो होता है वाटर का वो फिक्स होता है कितना टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव या जीरो डिग्री सेल्सियस इसमें से घटा दो टू पॉइंट टू तो मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया टी एफ टू सेवनटी पॉइंट नाइन फाइव ये आ गया हमारे पास क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ठीक है ना जहाँ वो जीरो डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था अब वो क्या है लगभग ठीक है दो डिग्री सेल्सियस टू पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस कम जम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल टू पॉइंट वन जीरो पेज नंबर फिफ्टी टू पर है इसमें क्या है कि वन ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एक ग्राम इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हमने फिफ्टी ग्राम ऑफ बैंजिन के अंदर अब बेंजिन के अंदर बेंजिन यहाँ पर सोल्यूट है और वन ग्राम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है वो सॉल्यूट सॉल्यूट बेंजिन सॉल्वेंट है और वन ग्राम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है सॉल्यूट है अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजिन आपको दे रखा है ठीक है ना लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट नहीं वो कह रहा है लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजिन मतलब डेल्टा टी दे दिया द के ऑफ बेंजिन वो कैप के एफ आपको दे रखा है अब कुछ क्वेश्चन में दे देगा कुछ में नहीं देगा जहाँ पर बुक के अंदर ही होगा ऐसा लेकिन पेपर में हर क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें के एफ़ की वैल्यू आपको देगा फ़ाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मोलर मास फाइंड करना है एम टू फाइंड करना है एम टू का फॉर्मूला हम बनाना जानते हैं कि डेल्टा टी एफ को एम टू की जगह और एम टू को डेल्टा टी एफ की जगह तो डब्लू टू है डब्ल्यू वन है डेल्टा टी एफ है के एफ है एम टू निकाल लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ठीक है वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स ग्राम पर मोल यूनिट ज़रूर लिख देना क्योंकि मोलर मास है तो ग्राम पर मोल यूनिट होती है मास निकाले तो ग्राम होती है डेल्टा टी एफ निकाले तो कैलविन होती है ठीक है तो ये हो गया हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर थ्री ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर फोर को पढ़ेंगे राइट